Hello guys, welcome to Manuver Education. In this video, we will talk about admission rules of amendment for law 3 years and law 5 years. इसके बारे में guys notification भी आया था, so let's check out the rules and regulation and if there are any changes or no. But changes तो हुए हैं guys, which you all can see in law 5 years admission tab on CETCL website. चेंजेस हुए थे कैंडिडेट टाइप को लेकर, जिसके लिए एक सेपरेट अपडेट भी आई थी, लिस्ट डिस्क्लोज की गई थी गाइस, जिसमें उन स्टूडेंट्स के नेम्स हैं जिसके कैंडिडेट टाइप चेंज हुए हैं. वो लिस्ट आप यहां आकर चेकआउट कर सकते हो इन लॉ 5 ईयर्स टैब. यू कैन फाइंड दैट लिस्ट ओवर हियर, कैंडिडेट्स लिस्ट हुज कैंडिडेट टाइप हैज़ बीन चेंज. सो आप वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो गाइस. And this change has happened due to the new government rule. So जितने भी students थे जो previously जिन्होंने महाराष्ट्र टाइप बी ओ एम एस सेलेक्ट किया था, नाउ दे हैव कन्वर्टेड टू महाराष्ट्र टाइप ए. सो फर्स्ट लेट्स चेक आउट द रूल्स एंड अमेंडमेंट फॉर लॉ 3 years एंड 5 years. सो गाइज, दिस इज द नोटिफिकेशन विच इज रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री. सो गाइज, दिस एंटायर डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन मराठी. सो लेट्स चेकआउट इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है गाइज. सो हियर इट इज़ मेंशन दैट द कैंडिडेट शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म SSC और HSC और अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्जामिनेशन मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, economically weaker section which is your EWS certificate, non-creamy layer certificate, caste necessary original documents like certificate and caste validity certificate or any other necessary certificate as applicable should be submitted in the prescribed format issued by the concerned authority competent to issue such certificate. सारे important list of documents क्या है गाइस, जो previously भी हमने discuss किया है, and इसके regarding CETCL की तरफ से अलग से एक सर्कुलर भी आया था, हमने उस सर्कुलर को भी एक्सप्लेन किया है गाइस, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी बहुत काम आने वाला है. अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हुई गाइस, सो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. सो वाइल फिलिंग द कैप एप्लीकेशन, इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हिज और हर कैप एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन and shall not be considered for preparation of merit list or for allotment of seats. So guys, आप cap round से बाहर भी हो सकते हो, आपका application reject भी हो सकता है अगर आपने documents में किसी भी तरह की mistakes की तो. So make sure आप documents को लेकर काफ़ी ज़्यादा precise रहो, आपके पास required documents ready होने चाहिए जब आपका document verification होने, आपके document verification के लिए. तो make sure सबसे पहला रूल यही है गाइस, डॉक्यूमेंट आपके सारे क्लियर एंड क्रिस्प होने चाहिए एंड दे शुड एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी अवेलेबल विथ यू. नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे कैंडिडेट टाइप के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि चेंज हुआ था आपका कैंडिडेट टाइप, राइट? तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है गाइस, बट यहाँ पे सिर्फ टाइप ए कैंडिडेट एंड टाइप बी कैंडिडेट को लेकर, टाइप ए कैंडिडेट एंड टाइप बी कैंडिडेट को लेकर ही चेंजेस है, बाकी सारे कैंडिडेट टाइप सेम है गाइस एज इट इज़ है. सो लेट्स चेक आउट व्हाट आर द चेंजेस फॉर टाइप ए एंड टाइप बी. सो गाइस, योर यू ऑल कैन सी, ये आप रीड कर सकते हो, इट इज़ रिटन इन मराठी, बट येस आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल एज वेल. सो टाइप ए को यहाँ पे क नाम दिया है गाइस इन मराठी, क, एंड फॉर टाइप बी ख. सो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो टाइप ए में जो चेंजेस हुए हैं गाइस, अगर आपने आपका 10th 12th फॉर LLB 5 years एंड इफ आई टॉक अबाउट LLB 3 years, 10th 12th और ग्रेजुएशन, राइट? अगर आपने आपका क्वालिफिकेशन आउटसाइड महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है गाइस, बट आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, ओके? अगर आपने आपका क्वालिफिकेशन आउटसाइड महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है बट आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र, आई मीन्स योर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, सो गाइस आप यहाँ पर टाइप ए में फॉल होते हो. प्रीवियसली क्या होता था गाइस, आपका 10th 12th
और ग्रेजुएशन अगर आप लॉ 3 ईयर्स के लिए ट्राई कर रहे हो, ऑब्वियसली लॉ 5 ईयर्स के लिए, तो आपका 10th और 12th गाइस महाराष्ट्र से ही होना चाहिए एंड आपका बर्थ प्लेस भी महाराष्ट्र होना चाहिए, देन यू ऑल फॉल इन टाइप ए कैटेगरी। बट नाउ अगर आपका क्वालिफिकेशन, आपकी स्टडीज़ आउट ऑफ महाराष्ट्र हुई है, आउटसाइड महाराष्ट्र हुई है, बट आपका डोमिसाइल इन बट योर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, योर बर्थ ऑफ प्लेस इज़ महाराष्ट्र, देन यू ऑल विल बी कंसिडर्ड एज टाइप ए। सो जितने भी स्टूडेंट्स का कैंडिडेट टाइप चेंज हुआ है, दे कैन चेक आउट दे आर नेम्स ऑन दैट अवेलेबल लिस्ट, और वहाँ से आप देख सकते हो गाइस जो अभी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट, ख मीन्स टाइप बी। सो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, जितने भी कैंडिडेट, ऑल द कैंडिडेट्स हु मैचेस टाइप ए फर्स्ट कंडीशन बट डजंट मैच टाइप टू सेकेंड कंडीशन, दैट इज़ इफ़ द कैंडिडेट डजंट हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, then the candidate is not born in Maharashtra. But if your mom or dad has a domicile certificate, then you all will fall in type B. So अगर आपका first condition match नहीं हो रहा है in type A, जो कि था that if your studies are not completed from Maharashtra, but since your domicile in Maharashtra, so that was condition one, that which is your qualification is completed from outside Maharashtra. सो जितने भी स्टूडेंट्स ने कंडीशन वन मैच किया है ऑफ टाइप ए बट दे हैव फेल्ड टू मैच द सेकेंड कंडीशन, दैट इज़ द कैंडिडेट डजेंट हैव एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ऐसे में गाइस अगर आपके मॉम एंड डैड के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सो येस आप टाइप टू में फॉल होते हो। सो येस गाइस ये दोनों चेंजेस हुए थे कैंडिडेट टाइप में विद रिगार्ड्स टू टाइप ए एंड टाइप बी। सो दिस वॉज द चेंजेस एज पर द न्यू गवर्नमेंट रूल। सो जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट था, आई होप यहाँ पे वो क्लियर भी हो गया रहेगा। बाकी के जितने भी कैंडिडेट टाइप थे गाइस, वो सारे के सारे सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। सिमिलरली गाइस यहाँ पे लॉ 5 ईयर्स के लिए भी अपडेट आ गई है, यू ऑल कैन सी 5 वर्षाचा विच इज़ लॉ 5 ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर चीज़ एक्सप्लेन की गई है गाइस फॉर टाइप ए एंड टाइप बी, बट अदर ऑल द थिंग्स आर सेम। सो येस ये गाइज आप ज़रूर से एक बार रीड कर लेना। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है गाइज अबाउट योर एलिजिबिलिटी, मीनिंग कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द कैप राउंड प्रोसेस। ऑल्सो गाइज यहाँ पे कॉलेजेस को लेकर भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉलेजेस को लेकर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दैट कॉलेज सीट मैट्रिक्स लिस्ट विल बी मेड अवेलेबल सून। ऑल्सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इट इज़ एडवाइज के आप जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, जितना भी टाइम लिमिट गाइज आपको शेड्यूल में दिख रहा है, मेक श्योर आप गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लो, डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। सो अगेन ये भी चीज़ यहाँ पर मैंशन की गई है गाइज। सो फॉर द कॉलेजेस दे हैव मैंशन दैट एज पर Rule 9 Sub-Rule 1 फॉर कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटिंग इन कैप प्रोसेस शैल बी रजिस्टर्ड एज पर द शेड्यूल गिवन बाय द DTE, ओनली कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय DTE शैल बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। सो इस गई स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ कॉलेजेस को भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है, सो मेक श्योर कि आप ये PDF प्रॉपरली एक से दो बार रीड कर लो गाइस। नेक्स्ट उसके अलावा यहाँ पे आप और आगे रीड करोगे तो यू ऑल कैन सी यहाँ कैप राउंड का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है गाइस, जो कि ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स को पता है, जिसपे हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। सो इस गाइस कैप राउंड प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है विद रिगार्ड्स टू फॉर्म फिलिंग एंड कन्फर्मिंग ऑप्शन फॉर्म एज पर देयर प्रेफरेंस प्रायोरिटीज। सो वंस द ऑप्शन फॉर्म इज़ कन्फर्म्ड प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट आगे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो गाइस। ऐसे ही सीट्स के बारे में भी बताया गया है दैट सीट्स अवेलेबल फॉर सेकेंड राउंड विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट विद रिगार्ड्स टू कैप राउंड्स। सो एंटायर कैप राउंड प्रोसेस भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है गाइस, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस PDF एंड अबाउट द रूल्स फॉर द एडमिशन। काफ़ी सिंपल रूल्स है गाइस जो ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है, कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं एंड कुछ कैंडिडेट्स एंड कॉलेजेस को गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी गई है। सो मेक श्योर गाइज आप एक से दो बार इसको अच्छे से रीड कर लो सो दैट यू ऑल आर सॉर्टेड विद द न्यू एंड with the existing and changed rules. So yes guys, that was it for this video and I hope this video was helpful. Also guys, make sure to share this video with all your friends.
सो दैट उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाए. ऑल्सो गाइज, ऐसे ही और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब मिन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अपडेट रिलेटेड वीडियोज़, कैपराउंड रिलेटेड वीडियोज़, नोटिफिकेशन, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़, कॉलेजेस इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ से लेकर काफ़ी सारे डेटा हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइज. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब मिन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल. एंड गाइज, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन मिन्यूअर एजुकेशन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब मिन्यूअर लॉ एंट्रेंस, लिंक फॉर विच आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो गाइज, कैपराउंड प्रोसेस के लिए अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कैपराउंड के नंबर पर कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, which is for absolutely free. So this is a free admission initiative by Maneuver Education where we guide students for the CAPRON process. Also guys, फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो. विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. सो यस गाइज, अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो.